हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग अपने रिएक्शन देने वाले। चलिए आप शुरू करते हैं। चलो ये बढ़िया था। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इधर बैठे हैं, मौज मस्ती के मूड में हैं। हम और अमृत हम दोनों मिलकर के कुछ रिएक्शन, कुछ कॉमेडी वीडियोस एक्चुअली देखेंगे और उस पर रिएक्शन देंगे। आइए तो शुरू करते हैं। मुन्ना की मैम बोल रही है ना, वो निकला क्या स्कूल से? आज तो वो स्कूल आया है। मुन्ना लग रहा है इसका बेटा है अमृत। हाँ हाँ पापा। कहाँ गया ये लड़का, ये भगवान। हेलो मुन्ना। हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। आपके बेटे को अरेस्ट किया। अरेस्ट क्यों? उसने क्राइम किया है, केस दर्ज नहीं करना है तो 1,00,000 रुपए कर दिया भाई। अरे ये 1,00,000 रुपए मांग रहे हैं। मुन्ना बेटा डरो मत भाई साहब, अब जितने पैसे बोलोगे, जहाँ बोलोगे हम भेज देंगे, ठीक है? अकाउंट नंबर लिख लो। कुछ गड़बड़ है ना। चलो चलो चलो। स्कूल बंक करके मूवी देखने गया था तो फिर ये भाई साहब। अरे ये सब स्कैमर्स होते हैं। स्कैमर स्कैमर था, स्कैमर था। 1,00,000 दे दी तो पैसे तो गया। पैसे दे दो। अरे ऐसे सिचुएशन में तुरंत उनके हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल कर देना चाहिए या वेबसाइट cybercrime.gov.in पे ऐसे नंबर का सस्पेक्ट रिपोर्ट फीचर कर देना चाहिए। मुन्ना यहाँ पे आओ। मुन्ना की मैम बोल रही है ना, वो निकला क्या स्कूल से? कितना झूठ बोलती है सब स्कैमर। स्कैमर से बोल रहा था कि वो उसका बेटा मतलब कुछ क्राइम किया है और पुलिस स्टेशन में आ गया है, और अगर ये लोग पैसा नहीं देंगे तो वो उसके FIR कर देगा वहाँ पे, मतलब उसको जेल में डाल देगा उठा करके। और फिर मुन्ना घर आया स्कूल बंक करके, और मुन्ना फिर जो उधर जाकर के पार्टी कर रहा था अपना। पार्टी करेंगे। चलो अच्छा था ना, ठीक था। हाँ अच्छा ठीक था। एक और देखते हैं। भैया क्या हुआ आपको, किसने मारा? अरे दीदी कॉलेज में एक लड़के ने मार दिया। वो कॉलेज का हीरो है, मार खा के बैठे हैं। लड़ाई हो गई। वो पीयूष भैया और मयंक भैया जैसे ना, आपने बाजी मार देनी चाहिए थी। और मार खिलवाओगी क्या? मैं क्या आपने कूल बनना है क्या उनके जैसा? तो आप लोग ना बस मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करो। चलेगा दीदी चलेगा। पहले तो जिम जाओ, उसके बाद टी शर्ट के ऊपर पहनो शर्ट, ऐसे चलो कि जैसे अपने बाप का कॉलेज है। कल मच गया ना तो रुबीना तक इम्प्रेस हो जाएगी। अब ना कूल रुबीना। कूल बनने के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? जैसे आप लोगों की आपके कॉलेज में इज्जत नहीं करते, ऐसे नामा कूल सीरीज में पीयूष और मयंक भैया की इज्जत नहीं करते थे। मेरे बताने से अच्छा ना आप लोग अमेजोन मिनी टीवी पर जाओ और फ्री में सीरीज देखो ना नामा कूल। मुझे आप बताओ की आपको मारा क्यों था? कॉलेज छूटने पे मैडम के लिए गाना गा दिए। अभी ना जाओ हे भगवान। टीचर को ऐसे करोगे तो पढ़े गई। चलो बढ़िया था यार, बढ़िया था, अच्छा था। उनको तो अभी आवाज़ आ रही है। चलो 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 एक और एक और। और मार खिलवाओगी क्या? बिगाड़ी है और काली। ओ भाई। अरे जी जी मालिक बताइए। अरे ब्रेक टाइट करवाना था। जूनियर इनका वो टाइट कर दे। आपका ब्रेक कहाँ पड़ता है? अरे मालिक लाइट की क्या जरूरत है, स्ट्रीट लाइट है, फ्लैश लाइट है, बिजली बचेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। सही है आप भैया, लाइट नया बिठाना पड़ेगा। अरे तो हॉर्न भी नहीं बज रहा है। हाँ तो हॉर्न भी नया बिठाना पड़ेगा। ये क्या जरूरत है? ये कैसे मैकेनिक है? नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होगा। अच्छा कितने लोग हैं? 2,000 चलो तो ठीक है, आगे देखें। ये लेकिन बच्चा था। सब कुछ नहीं लगने देते इस घर में, एक हम है इसलिए टिके इस घर में, कोई और होती ना कब की भाग जाती। कहाँ जगह ग्लास फोड़ दिया तुमने? नहीं मारेंगे, इधर आओ। तंग आ गए हम तुमसे, कल को जब हम बुड्ढे होके मर जाएंगे ना तब तुम्हें माँ की कीमत समझ में आएगी। 3 तक गिन रहे, ऐसे तुम ना गिन के खा लो। 1, 2, 2.5, 3 खाओ हमारा बच्चों। दिन भर बस घर में पड़े रहो, दिन भर बस बाहर पड़े रहो। 50-50 लोगों की रोटियां अकेले बेलते थे हम, खाने वाले मुंह 10, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आएगा। थोड़ा तुम्हारी बुआ को बोल दिया मदद करो तो तभी यहाँ दर्द हो रहा है, तभी वहाँ दर्द हो रहा है। बीवी आएगी ना तो पूछेगा भी नहीं। अरे अच्छे से फाड़ो ना, किसी और के गिफ्ट को लगाने में काम आएगा। मुझे नहीं बुआ का फोन है, बताओ हम सो गए। हेलो बुआ जी, माँ कह रही वो सो गई।
ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये बढ़िया था यार। पट्टे से खाया एकदम, हेडशॉट टाइप का। सही था। एक और देख लेते इसका। भाइयों देखो, तुम्हारे भाई ने नया फोन ले लिया, और पता है ये वाटरप्रूफ है, कितना भी पानी डाल लो कुछ नहीं होता। ये तो बंद हो गया। अरे अभी खुल जाएगा भाई। बंद हो गया अभी, अभी खुल जाएगा। नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। अरे अरे मम्मी का फोन है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये ताबड़ तोड़ था भाई साहब। कैसे मस्त रो रहा था ये। सब लोग यही बोलते हैं। कैसे रो रहा था। ये अच्छा था, ये अच्छा था। चलो अब एक और देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। रेडी। मनीष अच्छा तू सो रहा था क्या? यूनिक। चलो नेक्स्ट। नया लाए कहाँ से लिया? 250 रुपए का लिए। कहाँ से? तो उसको मैंने 500 का नोट दिया और 250 रुपए वापस लिए। कहाँ से? मैं बिना, अरे वो पति तेरे को जहाँ से वो 250 रुपए का मिलता है? हाय बार गर्मी बहुत है। इतनी गर्मी में कहाँ गए थे? 80 रुपए देकर आई हूँ। गए कहाँ थे? ओ मामा के घर ऑटो से। 80 रुपए देकर? नहीं मम्मी, थोड़ा ध्यान रखो, रोज जूस पियो। पीती हूँ बेटा, सुबह भी पीकर आई थी। क्या बात है, कौन से वाला? 60 रुपए वाला। कौन से फ्रूट का? वो तो बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया, ग्लास, लेकिन 60 वाला था। और हैंडमेड पर्स लाया। कितने में? तो इसका काम ना सिर्फ वही होता है। कितने का लिया? आप क्वालिटी देखो, सारा बीडेड वर्क है। पैसे कितने दिए? ज्यादा नहीं, बस 3,000। अरे वापस कैसे कर गया? फ्लाइट के 5,000 लग के जा। ये सही था यार, हमको ज्यादा उसमें हंसी नहीं आई। अच्छा पर नहीं, पर ठीक था। हमको तो ये समझ में आया, जोक था पर अच्छा था। जो जो देसी माँ करती है, जो देसी मोम करती है, वो ऐसा ही रहता है। इतना रुपया दे के गए, कहीं जाती है। तुम यहाँ से आ रहे हो? तुमने क्या खर्च किया? हमने ये खर्च किया। तुमने कहा नहीं, यहाँ से आ रही हूँ मैं। बताएगी नहीं नाम की, यहाँ गए की वहाँ गए, फिर आखिर में आते। अच्छा हम तो नानी के घर गए थे। ऐसा ही होता है, मंदिर भी जाती है, टीका लगा के आती है। मम्मी कहाँ गए थे? अरे हम तो वहाँ गए, टीका देके पहचान नहीं रहे हो?